हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे जो हमारा रेडमी नोट 12 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन ही आएंगे। फिर आपको जाना है फ़ोन आइकन्स पर, क्लिक करते ही जो फ़ोन का आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और कोई भी जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह होते हैं उसको आप ब्लैक लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को, तो सिंपली आपको यहाँ से सेटिंग्स ऑप्शंस को ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी कॉलिंग सेटिंग्स ओपन ही आएगी, ओपन हो जाएगी। इसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ब्लॉकेड नंबर, तो यहाँ से जैसे कोई भी नंबर ब्लॉक नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस तरह से टाइप करके नंबर्स को आप ब्लैक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं। तो अब इसको ब्लैक लिस्ट से रिमूव करना है तो रिमूव भी कर पाएंगे, इस तरीके से पासवर्ड डालते हैं तो जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं ब्लैक लिस्ट से इस तरीके से आप रिमूव कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। और जैसे कोई और नंबर आपके फ़ोन में ऐड है या उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से थ्री डॉट पर जाकर आप ब्लॉक्स करते हैं तो ब्लॉक हो जाएगा नंबर आपके फ़ोन में, तो यहाँ पर ही ब्लॉक हो जाएगा। और उसको आप अनब्लॉक करना चाहें तो यहाँ से आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और साथ में रिमूव कर सकते हैं ब्लैक लिस्ट से। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।